ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करते हैं। टाइम इज मनी, नेवर वेस्ट टाइम। बचपन से बड़े होने तक हम ये सारी बातें लगातार अपने पेरेंट्स से, टीचर से, प्रोफेसर से, कुलीग से, बॉस से सुनते आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम पता क्या है, हम में से अधिकांश लोगों को पता ही नहीं चलता कि आखिर उनका समय बर्बाद हो कैसे जाता है। आपके साथ भी शायद बहुत बार ऐसा हुआ हो। बहुत बार हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन समय हाथ से निकल जाता है। ऐसा लगता है यार मालूम नहीं दिन गया कहाँ। हम में से अधिकांश लोग रात को जब घर लौटते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि दिन में 24 नहीं 48 घंटे होने चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको साफ साफ बताऊंगा और इस बात का एहसास करवाऊंगा कि आपका समय आखिर जाता कहाँ है, आप कौन कौन सी 10 वो जगह हैं जहां पे समय को बर्बाद करते हैं। यू नो मी, 13 years आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग, आई वर्क विद 8 lakh+ people और मेरी कंपनी में मुझे स्पीड मशीन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के 3 महीने के अंदर आई रिजाइन माई हाई प्रोफाइल जॉब। नेक्स्ट मंथ आई अचीव द टॉप इनकम लेवल ऑफ माई कंपनी। 2009 आई गोट माई फर्स्ट Mercedes Benz, और ये सारी अचीवमेंट्स की वजह आपको बता रहा हूं, इट्स लाइक राइट टाइम मैनेजमेंट, डूइंग राइट एक्टिविटीज और उन एक्टिविटीज से बचना जो टाइम ड्रेनर हैं, जो हमारा समय चुरा के ले जाती हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 टाइम ड्रेनर्स फॉर नेटवर्क मार्केटर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और वो उन कामों को करने की वजह से आपका समय बर्बाद हो जाता है और आपकी अचीवमेंट इतने सालों से डिले हो रही है। मैं चाहता हूं आप अपनी कंपनी के टॉप इनकम अर्नर बने, आप सारे सपनों को पूरा करें और आप एक मिसाल बने नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी की। इसके लिए इस वीडियो में मैंने ये 10 के 10 पॉइंट रखे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन सा इन 10 में से एक ऐसा एरिया है जहां पर आप चूक जा रहे हैं और जिसको ठीक करने से आप अपने इनकम को, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाय, दिस इज दीपक बजाज। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और रिकमेंड की जाने वाली दोनों किताबों का लेखक और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी फ्री वीडियो ट्रेनिंग सीरीज में जिसका नाम है 0 to Millennial इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज इस सीरीज का ये 15वां वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 10 टाइम ड्रेनर्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के हमने खास 16 टॉपिक चुने हैं जिनकी ट्रेनिंग्स जनरली चूक जाती हैं, जिनकी डिस्कशन जनरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में नहीं होती हैं। आज ये सीरीज का 15वां वीडियो है। अगर आपने अब तक हमारे बाकी वीडियोस नहीं देखे, आई रिकमेंड गो टू माय YouTube चैनल दीपक बजाज एंड लुक फॉर 0 to Millennial फ्री वीडियो ट्रेनिंग सीरीज एंड दिस सीरीज विल हैव 16 गेम चेंजिंग वीडियोस फॉर यू जो आपके और आपके बिजनेस को कमाल की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। माइल डेविस ने कहा टाइम इज नॉट द मेन थिंग, इट्स द ओनली थिंग। 13 years आई एम इनटू दिस बिजनेस नाउ एंड एंजॉयिंग पैसिव इनकम फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ। आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, वी आर नॉट इन सेलिंग बिजनेस, वी आर इन टाइम मैनेजमेंट बिजनेस। 2014 में मुझे मौका मिला था, आई मेट रॉबर्ट टी कियोसाकी पर्सनली और मैंने रॉबर्ट से पूछा कि बिजनेस में कामयाबी का सीक्रेट क्या है। ही टोल्ड मी वन सिंपल लाइन जो आपको बता रहा हूं, माइंड योर ओन बिजनेस। और माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब बहुत साफ है, अपने काम पे फोकस करो और टाइम बर्बाद करने से बचो। इस बिजनेस में जितने भी टॉप इनकम अर्नर्स हैं उन सब ने अपने समय को गार्ड करने की एक कला सीखी है एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम। दिस वीडियो इज नॉट अ रेगुलर वीडियो माई फ्रेंड, इस वीडियो को आप हल्का मत लीजिएगा। इस वीडियो में पावरफुल इंसाइट्स हैं जो मैंने किसी किताब में पढ़ने के बाद नहीं सीखी हैं, रोड पे काम करने के बाद सीखी हैं। 13 साल का, 8 लाख से ज्यादा लोगों के साथ काम करने का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं और इन 10 में से कोई ना कोई एरिया ऐसा जरूर है जिस पे आप समय बर्बाद कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी अचीवमेंट रुकी हुई है। आई कैन अश्योर यू अगर आप इन सारे के 10 के 10 टाइम ड्रेनर्स को समझें, रियलाइज करें और इनके हिसाब से काम करें, आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ा उछाल लेके आ सकते हैं। आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं 10 टाइम ड्रेनर्स फॉर नेटवर्क मार्केटर्स। नंबर 1, डूइंग फॉर पीपल व्हाट दे शुड डू फॉर देमसेल्फ, लोगों के लिए वो करना जो उन्हें खुद करना चाहिए, ये है टाइम ड्रेनर नंबर 1। और ये समस्या सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ आती है जो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो ना मम्मी पापा बनके, डैडी मम्मी बनके खड़े हो जाते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ और उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। कई बार तो वो मांगते हैं, एसोसिएट मांगते हैं कि मेरे लिए ये कर दो, कई बार वो नहीं मांगता ना तो भी कर देते हैं। ये आपकी एक आदत आपको इतनी भारी पड़ेगी जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इट्स डैमेजिंग यू इन सो मैनी डिफरेंट वेज। पहली तो आपके टीममेट्स कभी अपने पाँव पे खड़े ही नहीं हो पाएंगे।
दूसरा, अगर आप यही करते रहेंगे तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे? कितने लोगों के साथ काम करेंगे आप? अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर आपको लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप उन्हीं 2, 3, 4, 6 अपने टीममेट्स के साथ लगे रहेंगे पूरा समय, तो फिर पूरी जिंदगी बीतेगी उन्हीं 2, 4, 6 लोगों के साथ, एंड यू विल बी स्टक एट सेम लेवल माय डियर फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केट इसका टाइम ड्रेनर नंबर 2, ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल इन देयर होम्स। ये मैंने बहुत लोगों को करते देखा है, उन्हें इतना आनंद आता है, लोगों के ड्राइंग रूम्स में जा के बैठ के उनको मोटिवेट करते रहते हैं। कमाल के कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनके करियर बर्बाद हो गए सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उन्हें लोगों को उनके ड्राइंग रूम्स में जाके मोटिवेट करने में आनंद आता था। जब आपके साथ नए लोग बिजनेस शुरू करें या पुराने लोग एसोसिएट्स आपके साथ बिजनेस में हैं, उनको मोटिवेट करने की जगह उनका ड्राइंग रूम नहीं है, प्रोग्राम्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इवेंट्स किस लिए होते हैं? बेस्ट प्लेस फॉर काउंसलिंग योर नॉन परफॉर्मिंग एसोसिएट इज ओनली वन प्लेस, दैट इज प्रोग्राम। आप हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन थर्मोस्टैट एंड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? एक वो थर्मोमीटर होता है, आप यहां लगाते हैं इसको और ये आपका टेम्परेचर बता देता है आपको बुखार है या नहीं है। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट आपके रेफ्रिजरेटर में लगा होता है, आपके फ्रिज में, या फिर आपके एसी में लगा होता है, आपकी गाड़ी में लगा होता है। जब आप एसी में टेम्परेचर 20 करते हैं तो वो थर्मोस्टेट काम करता है, और वो थर्मोस्टेट इस तरह से एसी की कूलिंग को एडजस्ट करता है ताकि आप जल्दी से जल्दी 20 पे पहुंच जाएं, 20 के टेम्परेचर पे पहुंच जाएं। इस बिजनेस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स दे आर थर्मोमीटर, प्रोग्राम्स आर थर्मोस्टेट। आप हो या आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्लायंस हो, वो सिर्फ ये बता सकते हैं इस आदमी में आग कितनी है। आग पैदा नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम एक ऐसी जगह है जो आग पैदा कर सकती है। प्रोग्राम को यूज करिए। सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद होता है लोगों के ड्राइंग रूम्स में, उनके ऑफिसेस में जाके कैफेस में बैठा के कॉफी पिला के लोगों को मोटिवेट करना। नेवर डू दिस माय डियर फ्रेंड। टाइम ड्रेनर नंबर 3, आंसरिंग एवरी क्वेरी देमसेल्व्स विदाउट यूजिंग टूल्स। ये एक इतनी बड़ी बीमारी है, और खासतौर पर उन लोगों के साथ जिनकी जानकारी बहुत बढ़िया है और जो लोग इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं। मेरी टीममेट ने मुझसे कुछ सवाल पूछा और मैंने तुरंत उसका जवाब दे दिया, और हमें ना हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, और हमें बहुत आनंद आता है, जॉय आता है कि हम हमारी टीम के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। उसने सवाल पूछा, तुमने जवाब दिया, अगले दिन वो फिर सवाल पूछेगा, तुम फिर जवाब देना, पूरी जिंदगी वो पूछता रहेगा, तुम बताते रहना तुमने उसको अपने पांव पे खड़ा होने का क्या रास्ता दिखाया। व्हाट हैव यू डन गुड फॉर योर एसोसिएट बाय आंसरिंग देयर क्वेश्चन? हैव यू एम्पावर्ड योर टीममेट? नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपने टीममेट्स को एम्पावर करना है, देन टूल्स का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसको गौर से समझिएगा, ठीक से समझिएगा। मेरे एक एसोसिएट हैं बैंगलोर में, मेरी एक नई टीम मैंने बैंगलोर में बनाई। मेरे एसोसिएट का फोन आया मेरे पास कि सर मेरे पास ना 6 लोग बैठे हैं, ये लोग बिजनेस के लिए सीरियस हैं, मैं इनको ना एक ट्रेनिंग देना चाहता हूँ कि बिजनेस के पहले 3 महीने में बिजनेस को टेक ऑफ करने के लिए, बढ़िया सॉलिड बुनियाद बनाने के लिए क्या किया जाए। सर आप मुझे कुछ पॉइंट्स वगैरह बता दें, या फिर आप सर जूम कॉल पे वेबिनार पे इनकी ट्रेनिंग ले लें। मैंने उनसे एक सवाल किया, तुम्हारे पास बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर या बीए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर किताब है? उसने बोला हाँ है सर। हिंदी वाली है इंग्लिश वाली है? बोला सर इंग्लिश वाली है। मैं बोला पेज नंबर 280 खोल सकते हैं उसमें? बोला सर मैं खोल सकता हूँ। पेज नंबर 280 पे लिखा है आपको एक नए एसोसिएट की पहले 3 महीने की प्लानिंग कैसे करनी है, 3 से 4 पेज में डिटेल में सब कुछ समझाया है। मैंने उसे बोला कि एक काम करिए, आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपको लगता हो कि अभी भी आपको नहीं समझ आया पहले 3 महीने का प्लान कैसे बनाना है, तो मुझे फोन करिएगा। रात को उस एसोसिएट का फोन आया मेरे पास, और वो फोन शुक्रिया अदा करने के लिए आया था, सर आपने तो इस किताब में कमाल के सॉल्यूशन दे रखे हैं, वो किताब पहले पढ़ चुका है लेकिन उस किताब को उसको यूज करना नहीं आता था। मैंने अब क्या कर दिया, आप गौर से समझिएगा, आज के बाद मेरा ये एसोसिएट कोई भी सवाल होगा तो पहले उस किताब में देखेगा, उसके बाद मुझे फोन करेगा अगर नहीं मिला तो। और उस किताब को मैंने इस तरह से लिखा है कि उस किताब में ऐसा कोई सवाल है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का जिसका जवाब उस किताब में ना हो। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ना सिर्फ उसको इस सवाल का जवाब दिया बल्कि आने वाले भविष्य में जितने उसके सवाल थे और उसके कुछ एसोसिएट के सवाल होते ना, उनके जवाब भी मैंने दे दिए। मैंने एक इंडिपेंडेंट लीडर खड़ा कर दिया, और मैंने उसका भी टाइम बचाया, मेरा भी टाइम बचाया, एंड आई हैव डन सो मच गुड फॉर बोथ ऑफ अस। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कमाल की चीज बता रहा हूं आपको। वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स हर सवाल का जवाब खुद नहीं देते हैं, वो ये बताते हैं जवाब कहां मिलेगा, टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाते हैं, एंड दैट इज सीक्रेट टू सक्सेस। क्योंकि तुम हर सवाल का जवाब खुद देते हो, इसके लिए तुम्हारा टाइम बर्बाद होता है। नंबर 4, माइंडलेसली वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं माइंडलेसली वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया
ज़रूरी है, सोशल मीडिया सही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना कंपलसरी है, लेकिन बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, माइंडलेसली वेस्ट करने के लिए नहीं। इट्स एन एक्सेलेंट टूल बट यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट। यू शुड यूज सोशल मीडिया एंड नॉट लेट सोशल मीडिया यूज यू। यूज इट, नॉट बी यूज बाय इट, डोंट बी कंज्यूम्ड बाय सोशल मीडिया। टाइम स्लॉट फिक्स करो। तुम ये याद रखना, तुम सोशल मीडिया में इन आधे घंटे में, 15 मिनट में क्या करने आए हो वो करो, करके निकलो और बिजनेस बिल्ड करो। नंबर 5, लॉन्गर दैन रिक्वायर्ड मीटिंग्स। यहां इतना समय बर्बाद होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सम पीपल, उनको ना मीटिंग को खत्म कब करना है और बोलना कब बंद करना है ये आता ही नहीं। दे विल कंटिन्यू टॉकिंग, जब तक कि वो लोग घर से उनको निकाल ना देना तब तक वो बोलते चले जाएंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, 60 मिनट में खत्म करो। काउंसलिंग मीटिंग है, प्रोग्राम के इन्विटेशन है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, खत्म करिए, आगे बढ़ जाइए। योर मीटिंग्स हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव लिमिटेड टाइम्स इन अ डे। अगर आप हर मीटिंग में डबल समय लगाएंगे तो परिणाम क्या होगा, आप आधी मीटिंग्स करेंगे एंड इट इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। टाइम ड्रेनर नंबर 6, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग विदाउट फोकसिंग ऑन गेटिंग पीपल। कुछ लोगों को इवेंट ऑर्गेनाइज करने में इतना आनंद आता है कि वो इवेंट में लोगों को लाने के बारे में सोचते ही नहीं है। सम पीपल जस्ट लव इट। वो इवेंट शुरू होने से 3 घंटा पहले पहुंचेंगे, इवेंट खत्म होने के बाद टेंट वेंट वाले जब जब जा रहे होंगे ना तब वो लोग निकलेंगे। सी आई अंडरस्टैंड, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब मिलकर उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इस बीच में आप इतने इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आप अपने 4 गेस्ट, 6 गेस्ट, 2 गेस्ट, अपनी टीम के लोगों को ही ना लेके आ पाए। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं जो इवेंट में ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का हिस्सा है। आई ऑल्सो लव टू बिकम पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, बट इसको बहाना मत बनाइए नए लोगों को नहीं लेके आने का। नए लोगों को लाना भी तुम्हारी जिम्मेवारी है, प्रोग्राम में हाउसफुल होना भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। मुझे मालूम है कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसे कामचोर और निकम्मे हैं, क्योंकि उनके पास कोई गेस्ट नहीं है इसीलिए वो ऑर्गेनाइजिंग में ही लगे रहते हैं और बाद में बिजनेस चलता नहीं है इसके लिए वो शिकायत करते रहते हैं। आई लव इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग इज कंपल्सरी, बट इवेंट ऑर्गेनाइजिंग बिना लोगों को लेके आना, दैट आई कॉल प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। नंबर 7, टाइम ड्रेनर, बिल्डिंग बिजनेस विद 1-to-1 मीटिंग। ये समय की बर्बादी करता है, बहुत बड़े से बर्बादी करता है। एक दिन में कितनी मीटिंग कर सकते हो आप, वो भी पार्ट टाइम में नौकरी के साथ, हाउ मेनी, 1, 2, 3, 4। अगर आपने कहीं होम मीटिंग्स यूज कर ली तो एक एक होम मीटिंग के अंदर आप 5, 10, 15, 20, 25 लोगों को मिल सकते हो उसी 1.5 घंटे में जिसमें आप सिर्फ एक सिंगल मीटिंग करते हैं। और कहीं आप हॉल मीटिंग में पहुंच गए तो उसी 1 घंटे में आप 100 मीटिंग्स भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। इट्स अ बिग टाइम सेवर, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं और साथ में डुप्लीकेशन बड़ा जबरदस्त होता है। 1-to-1 मीटिंग्स वहीं करिए जहां जरूरी है, अदरवाइज हॉल को यूज करो, होम मीटिंग्स को यूज करो एंड बिल्ड बिग बिजनेस बाय यूजिंग प्रोग्राम्स। नंबर 8, नॉट हैविंग शेड्यूल इन एडवांस। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ 7 बजे ऑफिस से निकलते हैं, फिर वो सोचना शुरू करते हैं आज किसके पास जाएं, फिर वो आधे अधूरे मन से 2 लोगों को फ़ोन मिलाते हैं, 1-2 लोगों से जब बात करने का प्रयास करते हैं वो लोग मिलते नहीं हैं, कुछ ना कुछ कहानी हो जाती है, अपने घर आ जाते हैं और बोलते हैं मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मीटिंग्स हो ही नहीं पाती है, काम बन ही नहीं पाता है। यू नो, कई बार मेरा मन करता है ऐसे कामचोरों को ना गोली मार देनी चाहिए, दे आर लायर्स And they simply want to escape work. अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है आपके कैलेंडर में अपॉइंटमेंट्स पहले से फिक्स होने चाहिए। एक बड़ा टाइम वेस्टर है नॉट हैविंग शेड्यूल इन एडवांस। नंबर 9, टाइम वेस्टर, अपलाइन डाउनलाइन वर्किंग टुगेदर इन एवरी मीटिंग। कुछ ऐसे अपलाइन डाउनलाइन है वो हमेशा साथ ही मिलेंगे आपको। यू नो, कभी कभी जरूरी होता है, कभी कभी चल जाता है, बट 6 महीने 1 साल से आप लोग साथ में, रोज हर दिन आप दोनों ही साथ में, ना आपके साथ प्रोग्राम में गेस्ट आएंगे ना आपके साथ आपके एसोसिएट आएंगे, हर प्लान आप दोनों साथ दिखाने जाएंगे। इट इज डिजास्ट्रस फॉर बोथ ऑफ यू, और आप दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं हमेशा के लिए। तो आप अपनी मीटिंग्स करिए, आपके अपलाइन अपनी मीटिंग करेंगे और दोनों अपनी अपनी मीटिंग करके एक दूसरे के बिजनेस को खड़ा करने में मदद करिए यार। एंड लास्ट नंबर 10, स्पेंडिंग टाइम विद नेगेटिव पीपल इन नेगेटिव डिस्कशन। ये डबल नेगेटिव हो गया, एक तो लोग नेगेटिव, ऊपर से डिस्कशन नेगेटिव। चूज योर कंपनी केयरफुली। आप पार्ट टाइमर हैं यार, आप कितने बड़े सपने हैं, उसके बाद आप कैसे खराब लोग ढूंढ लेते हो यार अपने साथ में बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए। चूज योर कंपनी वेरी वेरी केयरफुली। इस बात पे हमने बहुत बार आपसे बात की है, चूज योर एसोसिएशन केयरफुली, चूज योर एसोसिएशन, योर कंपनी डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और कुछ लोग ना, दे आर मास्टर फॉल्ट फाइंडर्स, उनकी डिग्रीज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास डिग्रीज उन्होंने करके रखा है, वो हर चीज़ में कभी ढूंढ लेंगे, प्रोडक्ट में, कंपनी में, प्लान में, अपलाइन में, लीडर में, इवेंट में, हर जगह
यू नो दिस पीपल दे सक योर एनर्जी. और ये सब टॉपिक्स पे डिस्कशन, ये सब नेगेटिव लोग, नेगेटिव डिस्कशन आपको नेगेटिव ही करेगी. इट विल सक योर एनर्जी. इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पीपल. और अगर आपको आज के इस वीडियो से एक भी पॉइंट कमाल का लगाना जो आपके बिजनेस के लिए बेहतर हो सकता है, तो फिर मेरे लिए आप दो चीजें करिए. नंबर एक, उस पॉइंट को इंप्लीमेंट करिएगा, खाली जानकारी से मत छोड़िएगा मेरे दोस्त. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन एंड इंप्लीमेंट द पॉइंट. एंड नंबर टू, शेयर इट विद मिनिमम 5 पीपल. कम से कम 5 लोगों के साथ उसको जरूर शेयर करिए. आप बहुत सारे ग्रुप्स में हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं. और अगर आप, ये 13 साल की विजडम का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं, आपको कुछ नया क्रिएट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप चाहे तो व्हाट्सएप, इतने सारे ग्रुप्स हैं आपके पास, हर जगह पे आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं. शेयर इट राइट नाउ, सेंड इट टू 5 ग्रुप्स ऑन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक. मिनिमम 5 पीपल ऑफ 5 ग्रुप्स यू केयर अबाउट, उनको आप जरूर ये वीडियो शेयर करिए. और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो वी हैव अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड दीपक बजाज. उस पर हमारे 220 से ज्यादा वीडियोस हैं, लाइव सक्सेस, यू नो, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स, लीडरशिप पे वीडियोस हैं. ये YouTube चैनल दीपक बजाज 100 से ज़्यादा देशों में देखा जाता है. 3.9 लाख पीपल आर देयर, पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड कम्युनिटी. ये आपकी 24/7 ऑनलाइन फ्री लर्निंग अकेडमी है. सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू नो, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, ताकि हम जब भी कुछ कमाल का डालें आपको तुरंत खबर पहुंच जाए. आई एम टेलिंग यू, यू विल लव द कॉन्टेंट. अपने फ्रेंड्स को, टीम मेट्स को, फैमिली मेंबर्स को, इन सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए. आई एम विद यू इन योर जर्नी टू गो टू द टॉप. आई एम वर्किंग डे एंड नाइट टू क्रिएट पावरफुल कॉन्टेंट, पावरफुल प्रोडक्ट्स, जिससे कामयाबी आपके लिए आसान हो सके. आई एम विद यू, कीप शाइनिंग. यू हैव चोजन वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेशन. और जब तक मिलेनियर ना बन जाए तब तक आप छोड़िएगा मत. कीप शाइनिंग, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर. लव यू गाइस.